साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत होती है। लेकिन यकीन मानिए, अंतिम ओवर में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर क्रिकेट प्रशंसक खुशी से झूम उठते हैं। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाते हैं और साउथ अफ्रीका जब लक्ष्य का पीछा करने उतरते हैं तो लगातार अंतराल के बाद विकेट गंवाते रहते हैं और अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत होती है। साउथ अफ्रीका की तरफ से मैदान पर मौजूद होते हैं किलर मिलर और कगिसो रबाडा। वहीं श्रीलंका की तरफ से आखिरी ओवर लेके आते हैं तेज गेंदबाज लहिरू कुमारा। ओवर की पहली ही गेंद रबाडा शॉट खेलकर एक रन लेकर किलर मिलर को स्ट्राइक पे लाते हैं और दूसरी गेंद पर डेविड मिलर लंबा छक्का जड़ देते हैं दोस्तों। और अब यहां से साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 4 बॉल में 8 रन की जरूरत होती है। लेकिन डेविड मिलर यही नहीं रुकते दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर यही कारनामा दोहरा देते हैं और उसी दिशा में एक और लंबा छक्का जड़ने में कामयाब रहते हैं और अब मुकाबले को साउथ अफ्रीका की तरफ झुका देते हैं क्योंकि 3 बॉल में अब 2 रन की जरूरत होती है। चौथी गेंद पर डेविड मिलर बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं लेकिन फिर भी 1 रन लेने में कामयाब रहते हैं और स्कोर हो जाता है टाई। और अब 2 बॉल में 1 रन की जरूरत होती है लेकिन 5वीं गेंद पर रबाडा का इनसाइड एज लगता है और थर्ड मैन की तरफ गेंद चली जाती है और यह मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीतने में कामयाब रहता है।